नमस्कार प्यारे साथियों, जैसे आप सबको मालूम है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। और अगर हम देखें तो जो लेबर क्लास है और जो किसान है उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेबर क्लास जो थी और जिनको जो काम करते थे उनका काम नहीं उनको हो पाया, और जब वो अपने खेतों में काम करने गए तो वहाँ भी उनको नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि सूखा पड़ा। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर KCC, मैं कहना चाहूँगा कि वो माफ़ किया जाए। तो ये भी बताना चाहूँगा क्यों माफ़ किया जाए, उसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें उसकी ये है कि एक तो कोविड-19 पेंडेमिक रहा, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ लोग जो हैं किसानों के जो गांव में किसानों के बेटे जो नौजवान बेटे होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं, और वो जब फसल का समय आता है या फसल लगाने का बोने का और फिर काटने का तो वो काम करके वापस आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में वो काम करने जाते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई काम है नहीं हिली एरिया में जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है या बाकी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो वो बाहर काम करने चले गए। लेकिन उसी समय लॉकडाउन लग गया, तो जैसे वो काम करने गए वहाँ तो लॉकडाउन लग गया और 3-4 महीने वो बिना काम के जो पैसा अपने पास था वो भी खत्म हो गया, खर्च हो गया, और काम जो काम किया वो भी पैसा नहीं मिला जो पहले काम किया था। 3 महीने बेकार रहे, उसके बाद 3 महीने बाहर फंसे रहे, और बाद में जब घर वापस आए तो उस समय फसल जो है मतलब जो फार्मर उनके थे घर में जो एज्ड जो उनके माता पिता हैं वो उनकी हेल्प से ही अपनी ज़मीन में फसल लगाते थे, लेकिन वो कोविड-19 में फंस गए और फसल भी टाइम की नहीं लगा पाए। और जब वो घर वापस आए तो यहाँ जो थोड़ी बहुत फसल उनकी थी लगी हुई उसमें जो है सूखा पड़ गया, तो पिछले 3-4 महीनों से सूखा पड़ता रहा, उसकी वजह से फसल सारी तबाह हो गई। क्योंकि हमारा हिली एरिया पहाड़ी एरिया रामबन डोडा हो रामबन हो किश्तवाड़ हो या बाकी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट रियासी हो, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ जो टेरेसिस टाइप के खेत हैं उनमें जो फसल लगी थी सूखा पड़ने की वजह से, क्योंकि मानसून यहाँ बड़ी लेट आई और सूखा पड़ा उसकी वजह से फसल तबाह हो गई। और जो थोड़ी बहुत फसल बची थी कुछ एरियाज में तो उसमें क्या हुआ कि जो अनवांटेड रेन बारिश जो है हमें अभी इसी महीने आ गई, तो बारिश इतनी ज़्यादा आ गई कि तूफान आ गया बारिश का, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी कि फसल जो बची खुची थी वो भी तबाह हो गई। एक तो सूखे से तबाह हो गई, दूसरा जो है ये भारी बारिश की वजह से फसल तबाह हो गई, तो किसानों को जो है दूसरी तीनों तरफ से मार पड़ी, सूखा पड़ा, बारिश भारी हो गई, और ऊपर से कोविड-19 की वजह से काम भी नहीं कर पाए, तो उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसान के पास कोई भी पैसा नहीं है देने के लिए उनके पास। हाँ, गवर्नमेंट ने 3 महीने किस्त माफ़ की थी, लेकिन अभी 31 अगस्त तक किस्त माफ़ थी, अब तो सितंबर शुरू हो गया, अब उनको किस्तें देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, वो कहाँ से देंगे जब उनकी फसल भी तबाह हो गई, जब उनको काम भी नहीं मिला, इस समय भी उनके पास काम नहीं है, और वो दर्द दर्द बेचारे, क्योंकि यहाँ और कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा काम ही नहीं है इस हिली एरिया में कि वो काम कर पाए, और गरीब परिवार से हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो उन्होंने लोन लिया था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, फसल को क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए, उनका लोन जो है वो माफ़ किया जाए और सबका लोन माफ़ किया जाए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिन्होंने भी लिया। जय हिंद।